हार्दिक स्वागत है आप सभी को मेरा YouTube चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रियल एंड रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। ये 11 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो है क्लास 11 में भी है और वही क्लास 12 में है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो जो मेरा 11 का वीडियो होगा, अगर डिटेल में जानना है तो जो 11 का वीडियो होगा उसको जरा से देख लेना, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ डेफिनेशन से जो क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। रिलेशन को पढ़ने से पहले जरा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के बारे में जान लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं फिर मैं समझा दूंगा क्या है। लेट ए एंड बी बी टू नन एम्प्टी सेट्स देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी इज denoted by A cross B. Let A and B be two non-empty sets. Then Cartesian product of two sets is the set of order pair where A belongs to capital A and small b belongs to capital B is denoted by A cross B. A cross B किसके बारे में बात कर रहा है? ये Cartesian product के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? Cartesian product denote करते हैं और symbolically कैसे represent करते हैं इसको? A cross B is equals to such that small a belongs to capital A, small b belongs to capital B. ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन। इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि a 1 2 3 एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, b एक सेट है जिसमें एलिमेंट है a e i, निकालना क्या है? a क्रॉस b। तो ये कैसे होगा? 1, a 1, e 1, i 2, a 2, b 2, i 3, a 3, b 3, i। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल। ठीक है, रिलेशन क्या होता है वो भी इसी से देख लेते हैं जरा। वैसे डेफिनेशन अगर जानना है तो रिलेशन का जो डेफिनेशन होता है, जैसे कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज द, वो डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो कोई फायदा नहीं डेफिनेशन लिख करके, इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी के। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बोला कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में तो एक्स कॉमा वाई वो बिलोंग्स करेगा ए क्रॉस बी में। x y के साथ रिलेशन में है, ठीक है, ये बाबू सोना वाला रिलेशन नहीं, हाँ ये मैप का रिलेशन चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? x रिलेटेड टू y। ठीक है, मेरे ख्याल से डेफिनेशन से ज्यादा समझ में नहीं आया होगा तो एग्जांपल से भी क्लियर कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, रिलेशन जो है वो सबसेट होता है a क्रॉस b का। तो एक रिलेशन का एग्जांपल जैसे हम लेते हैं क्या, 1, a 1, i
टू कॉमा ई, थ्री कॉमा ए, नजर आ रहा ना, ये रिलेशन जो है इसका सबसेट है, ठीक है, यहां दिख रहा है ना, ये एग्जांपल हो गया। अच्छा, वन कॉमा ए वो बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वन रिलेटेड टू आर, ठीक है, मगर टू कॉमा बी वो नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, टू डज नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है। यहां से बात आता है कि डोमेन क्या है, ठीक है, डोमेन आर का, तो इस रिलेशन में, इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे कि वन, ये टू थ्री, यहां पे दो वन है तो एक ही वन को लिखेंगे, तो डोमेन क्या होगा, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ठीक है, रेंज वो क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट, जैसे सेकेंड एलिमेंट क्या है, ए आई ई ए, इसको ऐसे लिखेंगे, ए ई आई, मैं सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये मैं सेट वाला चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, आप लोग वहां पर देख सकते हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ये रेंज क्या है, ऑल सेकेंड एलिमेंट का सेट है, तो डोमेन और रेंज, क्लियर हुआ, ये रिलेशन के बारे में था। यहां से एक और शॉर्ट नोट के तौर पे लिख सकते हैं आप लोग, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है एम, और बी एक सेट है इसमें एलिमेंट है एन, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या बन, कितना आएगा, तो वो होगा टू का पावर एम इंटू एन, ठीक है, ये शॉर्ट नोट के तौर पे है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। अब हेडिंग है इनवर्स रिलेशन, तो अगर कोई एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ये एक रिलेशन है कैसा, ए से बी, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होगा, बी टू ए, मतलब डोमेन जो होगा आर इनवर्स का वो एक्चुअली में किसके बराबर होगा, रेंज ऑफ आर, और रेंज ऑफ आर इनवर्स वो एक्चुअली क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देर पहले रिलेशन का एक एग्जांपल लिए थे, तो ये आर इनवर्स क्या होगा, ए कॉमा वन आई कॉमा वन ई कॉमा टू ए कॉमा थ्री, बस इतने सिंपल था इनवर्स रिलेशन। अभी हम लोग इनवर्स रिलेशन पढ़े ना, अब क्या है रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन ऑन सेट, सिंपली इसको ज्यादा डेफिनेशन वगैरह बताने का जरूरत नहीं है, रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, वैसे ही है, ठीक है। अब इस एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ए एक सेट है वन कॉमा टू का, तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, टू कॉमा वन, टू कॉमा टू, और मैंने क्या बताया, रिलेशन जो है सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो आर मान लेते हैं वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, टू कॉमा वन, ठीक है, तो रिलेशन ऑन सेट यही है। इसके बाद क्या है, एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन क्या है, ऐसा रिलेशन जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट, ए एक सेट है, ए का कोई भी एलिमेंट बी का कोई भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, एग्जांपल जैसे कि
आर, ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और ए प्लस बी जो है वो 10 है, ठीक है। और ए का एलिमेंट है 1, 2, बी का एलिमेंट है 3, 4। तो हम अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या देख रहे हैं, ए क्रॉस बी 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। क्या कोई भी ऑर्डर पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। कुछ भी पुट करके देख लो ना, 2 और 4 पुट करो ए और बी की जगह पे, तो क्या आएगा 2 + 4 = 6, सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। 2 और 3 पुट करेंगे, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, 3 + 2 = 5, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 पुट करेंगे, 1 + 4 = 5, 10 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 और + 3 = 4, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, वर्ड या एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या होता है, ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, ये जो है सबसेट है ए क्रॉस ए का। जैसे कि मान लेते हैं ए 1, 2, 3 है, आप लोग ए क्रॉस ए निकाल लेना, मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूं यहां पे। ए 1, 2, 3 है और कोई एक रिलेशन है सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए माइनस बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। आप ए क्रॉस ए निकाल लेना और इसमें पुट करना, देखोगे मतलब हर एक ऑर्डर पेयर जो है ना इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। वॉइड रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, वर्ड या एम्प्टी रिलेशन को। एक और है वो क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसको मैं जस्ट ऐसे लिख दे रहा हूं, ए कॉमा ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें ए 1, 2, 3 और हम लोग ए क्रॉस ए अगर निकाले तो क्या आएगा, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या आएगा, 1, 2, 2, 3, 3। रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, 3 तरह के होते हैं। एक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। और मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ऐसे ए रिलेटेड टू ए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1, 1, पहले यहां पे ले लेते हैं ए 1, 2, 3। 1, 2, 2, 3, 3 और 2, 3। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन अभी मैंने पढ़ाया था, तो आइडेंटिटी जो है रिफ्लेक्सिव हो सकता है। रिफ्लेक्सिव हो सकता है मगर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी में ये नहीं आता है, सिर्फ ये आएगा 1, 2, 2, 3। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 1, 2, 2, 3। ये आइडेंटिटी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, ए में 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो 1 का 1, 1 है यहाँ पे, 1, 1 के साथ रिलेटेड में है, 2, 2 के साथ है, मगर 3, 3 के साथ नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक में क्या है कि ए रिलेटेड है बी के साथ और बी भी रिलेटेड होगा ए के साथ। एग्जांपल, दैनिक जीवन का एग्जांपल,
आप अपने महिला मित्र के साथ पवित्र बंधन में बंधे हैं, ठीक है महिला मित्र, ये आप या आपका महिला मित्र, तो महिला मित्र भी आपके साथ पवित्र बंधन में बंधी है। ये सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल है। इष्ट दो तरफा हो तो सही है, एक तरफा सही नहीं होता, तो ये इष्ट है सिमेट्रिक, जो दोनों तरफ है, ठीक है। इसके एग्जांपल लेते हैं, वन कॉमा टू, टू कॉमा वन, थ्री कॉमा टू, टू कॉमा थ्री। वन कॉमा टू रिलेटेड है तो टू कॉमा वन भी रिलेटेड है, थ्री कॉमा टू तो टू कॉमा थ्री, ठीक है ना। ये एग्जांपल था सिमेट्रिक का। इसमें वही था, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये जरूरी नहीं है लिखना, ये टू थ्री समझाने से मतलब है ना हमें। वन कॉमा टू, टू कॉमा वन, थ्री कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि वन टू के साथ रिलेटेड है तो टू वन के साथ है, मगर थ्री टू के साथ रिलेटेड है तो टू थ्री के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव का बात है, ए रिलेटेड है बी के साथ, बी रिलेटेड है सी के साथ, तो ए भी रिलेटेड है सी के साथ। ए बी के साथ रिलेशन में है, बी सी के साथ रिलेशन में है, तो ए सी के साथ रिलेशन में होगा। इससे एग्जांपल देख लेते हैं, वन कॉमा टू रिलेटेड है, टू कॉमा थ्री रिलेटेड है, तो वन कॉमा थ्री भी होना होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, थ्री कॉमा थ्री, ठीक है। तो वन कॉमा टू रिलेटेड है, टू कॉमा थ्री रिलेटेड है, लेकिन वन कॉमा थ्री नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंस क्लास। तो ये डेफिनेशन है, क्या बोल रहा है कि लेट आर बी इक्विवेलेंस ऑन अ सेट ए, आर एक इक्विवेलेंस है। बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास जो होता है ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन का सबसेट होता है। सिंपल लॉजिक सी बात है, बस इतना याद रखो, ये डेफिनेशन है, मैं बता दिया हूं। हाँ, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्विवेलेंस का मैं डेफिनेशन लिख दिया, लेकिन मोटा मोटी क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन का सबसेट होता है। एक सिंपल सी बात बता रहे हैं, जैसे कि कोई एक पार्क है उसमें चार साल के बच्चे पूरा बैठे हुए हैं, तो चार साल के बच्चे जो बैठे हुए ना, जो पूरा ग्रुप है वो लोग का सेम एज का है, तो इक्विवेलेंस क्लास हो गया वो, ठीक है। नीचे एक सवाल है, ये क्या है, ए एक कोई सेट है, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो डिफाइंड बाय कैसे डिफाइन है, ऐसा बोल दिया है, यहाँ बोल दिया है वो इक्विवेलेंस है। अभी मैं प्रूफ करवाऊंगा इसके बाद एक कि कौन इक्विवेलेंस है कौन नहीं है, ठीक है। तो ये इफ एंड ओनली इफ वो दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास वन कॉमा थ्री, तो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, ए कितना दिया हुआ है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, ओके। और यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है वो कैसा है, ए कॉमा बी सी कॉमा डी, इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी बी प्लस सी। हमें क्या पता लगाना है, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास वन कॉमा थ्री का। तो हम क्या कर रहे हैं ना, कि ये ए और ए की जगह पे वन पुट कर रहे हैं और बी की जगह पे थ्री पुट कर रहे हैं, मतलब कैसा हम लिख रहे हैं इसको, ऐसा लिख रहे हैं, वन कॉमा थ्री रिलेटेड है सी कॉमा डी सी, तो यहाँ ए की जगह पे वन, बी की जगह पे थ्री, तो डी माइनस सी क्या आ जाएगा, टू। अब हम डी का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं और सी के वैल्यू क्या क्या रखेंगे, टू आ जाए, तो डी के वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, हम डी का वैल्यू रख सकते हैं फोर, तो सी के वैल्यू क्या पड़ेगा, क्या टू,
अगर डी के वैल्यू रखेंगे 3 तो 2 का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 1। यही इक्विवेलेंस क्लास, खत्म। इतना ही था। ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? आर द रिलेशन आर ऑन सेट ए, ए कितना दिया हुआ है, ए एक्स बिलोंग्स टू एन इंटीजर और एक्स जो है 0 से 12 के बीच है, तो 0, 1, 2, 3, 12। ठीक है, गिवन बाय आर, आर क्या दिया हुआ है, रिलेशन कैसा है, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 तो हम इसको अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 तो 4 लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो पहला हमें चेक इक्विवेलेंस रिलेशन बताने के लिए पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या था, खुद के साथ रिलेटेड हो, यानी कि ए बिलोंग कर रहा है ए में, तो अगर हम ए माइनस ए, ये क्या होगा, ए माइनस ए क्या होगा, जीरो होगा, जीरो को लिख सकते हैं 4 से, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ए जो है रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, को सेटिस्फाई कर गया। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि a कॉमा b जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, a में, और क्या बोल दिया है कि a कॉमा b जो है वो रिलेटेड है, तो a रिलेटेड है b से, तो कैसा है, a माइनस b मल्टीपल है 4 का, तो 4 लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा बिलोंग्स टू a, ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं b माइनस a भी तो लिख सकते हैं, क्यों, मॉड के भीतर कोई भी माइनस जो होता है ना वो प्लस बन जाता है, यानी कि हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ही तो बी माइनस ए होगा ना, और माइनस को कन्वर्ट होकर प्लस में हो गया, तो ये क्या होगा, ये भी 4 लैम्डा ही हो गया, यानी कि ए माइनस बी डिविजिबल है 4 से, ए मल्टीपल है 4 का, तो बी माइनस ए भी तो मल्टीपल होगा 4 का, तो बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब ए बी के साथ रिलेटेड है, ए बी के साथ रिलेटेड है, तो बी भी ए के साथ रिलेटेड है, यही तो कंडीशन था सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बारी किसका, ट्रांजिटिव का है, ट्रांजिटिव का है, तो हम तीन एलिमेंट मानते हैं, ए बी सी ये बिलोंग कर रहा है ए में, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी में बिलोंग कर रहा है, और कंडीशन क्या है कि ए माइनस बी जो है मल्टीपल है 4 का, तो हम लिख ना ले ऐसा ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ठीक है, यहां भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 म्यू, जहां पे लैम्डा और म्यू जो है वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, और यहां से जब मॉड हटा तो प्लस माइनस 4 लैम्डा, यहां से जब मॉड हटा तो प्लस माइनस 4 म्यू, क्लियर है ना, तो यहां से मैं नहीं लिख सकते ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहां क्या आएगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू, सही है ना, हम उसके बाद क्या हो गया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो यहां से प्लस माइनस 4 कॉमन ले तो लैम्डा प्लस म्यू, तो बी भी कट गया, तो ए माइनस सी क्या आ गया, प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है ना, तो ये ए माइनस सी भी जो है मल्टीपल है 4 का, तो ए माइनस सी मल्टीपल है 4 का, तो ए माइनस सी मॉड वाला भी तो मल्टीपल होगा 4 का, है ना, मल्टीपल होगा 4 का, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ए बी के साथ रिलेशन में है, ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है, तो ए सी भी तो रिलेटेड हो गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो ये क्या हो, ट्रांजिटिव हो गया। मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ आपको, तो मैं समझा रहा हूँ आपको, डिटेल में बनाना है तो मैं समझा दे रहा हूँ, है ना, ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ना, ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन खत्म। उसके बाद क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, ये 1 है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक्स मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है किसमें, ए में, एक्स कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या है कि एक्स माइनस 1 ये जो है वो मल्टीपल है 4 का, x माइनस 1 जो है वो मल्टीपल है 4 का, तो 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, इसमें 4 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 0, 4, 8 और 12, और कुछ तो नहीं होगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4, 8, 12, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1, 5, 9, 13 नहीं आ सकता है ना, 13 इसमें है ही नहीं, तो यही तो है,
ठीक है, बस ये क्लास आज खत्म होता है। ऐसे आप लोग ये मत समझना कि एक ही क्वेश्चन करवाए है ना, जब वो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो मैं जितना ईयर का क्वेश्चन है वो सब करवाऊंगा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग घर में जितना क्वेश्चन है कोशिश करना सॉल्व करने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।